मसूरी में पठान आ रहे हैं। शाहरुख खान जी, आपको हमने इतना टाइम दिया, पैसा दिया, मुझे भी शाहरुख खान बहुत अच्छे लगते हैं। So, hey guys, welcome back to our new vlog. अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने, पहले नाश्ता करते हैं। ब्रेकफास्ट इस होटल का। मेरा तो फर्स्ट राउंड जो है ये चल रहा है। फ्रूट्स में भी ज्यादा कुछ नहीं है, पपीता एंड तरबूज, इडली सांभर, उपमा, आलू पोटैटोस, चटनी, बस। अभी तो पूरा मेरे फेवरेट भरी पड़ी है, अभी बहुत कुछ आने को है। अभी तो ये फर्स्ट है, चूज करूंगी। अभी तो ये फर्स्ट है। ब्रेकफास्ट के मेन्यू में बहुत सारी चीजें हैं, वहाँ पे दिखा। अच्छा, सेकंड राउंड इज ये फ्रूट केक, चिकन नगेट्स, फ्रेंच टोस्ट, सम ब्राउनीज एंड कॉफी। मतलब शगुन का सेकंड जो है उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। शगुन ने लिया सेम वही टोस्ट, पराठे, ब्राउनी, पराठे, आलू पराठा, बहुत सारी चीजें मुझे खाने जा रहा। इसे कहते हैं खाए तो खाए, बांध के भी ले आए। लोग देख भी रहे थे आपको। कौन देख रहा था? मैं तो खाते खाते फिर लिखे थे। देखने दो क्या जा रहा है। अरे तुम्हें पता है कि मैं वो डोनट्स लेके क्यों आया हूँ रूम तक? पता है? आप पोटे जाओगे, पेट खाली होगा। एक्चुअली इतना सुबह सुबह खाने की आदत नहीं है ना, इनके ना इनपुट के लिए जगह नहीं बची थी। नीचे बोल रहे थे क्या खाऊं क्या ना खाऊं, तो पोटी आ गया। तो मैंने सोचा यार पहले होके हल्के होके आए। लेट मी एक्सप्लेन। हां नहीं, एक्सप्लेन नहीं करना, पोटी को कोई एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है? मुझे लगा इनका पेट फटा, खाओ तो खाओ, लेकर दिया दोनों हाथ में बच्चों को लेकर आए। हम फिर भी कमी ला रहे थे, हमारे पास जो था वो पूरे प्लेट भर के वो था, पैसा वसूल कर रहे थे। फैमिली एक फैमिली ना, मेरे से लगता। अच्छा, आज सुना है, आज सुनाने के बाद गई। अच्छा आज सुना है, आज भाई इस मसूरी में पठान आ रहे हैं, पठान को देखने जाएंगे हम पठान जाएंगे पठान को देखने। सो हम लोग जा रहे हैं अभी पठान से मिलने, और उसके बाद फिर निकलेंगे मसूरी घूमने। मसूरी को एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, आज एक्सप्लोर ही करवा लेंगे पूरा, शाम से स्टार्ट करेंगे। अबे धीरे तो दबाओ, मतलब फिर हमारी वही दिल्ली वाली आदत गई नहीं है, नोएडा वाली। तो भैया आपने सुबह की मफिन एक होटल में खाई और एक बाहर खाएंगे अब हम। पचानी हरकतें इनकी छूट दे रही है, क्या कह रहे हैं लोग, आप मफिन उठाकर लेकर आ रहे थे खाने के लिए, लेके आए हो यार। मुझे बोलते मैं डोनट उठा कर लाती, डोनट ही तो बड़े लग रहा था, वो भी डोनट लेकर आए थे सोमवार के साथ। देखे वो लोगों ने सोचा होगा कि कंफ्यूजन में कहीं बड़ा समझ। हाँ मसूरी का ये फेमस गुरुद्वारा है, ये भी एक घूमने की जगह है और टूरिस्ट का ज्यादातर होता क्या है, इसी तरह से आपको स्कूटी ये सब के लिए पूछते रहेंगे लोग। हम अभी जा रहे हैं मूवी के लिए। तो भैया हम लोगों ने यहाँ पे मसूरी में किया है रिक्शा, रिक्शा फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिक्शा से, हाँ रिक्शा से जाने का। हम लोगों ने सोचा पैदल भी जा सकते हैं, 1 किलोमीटर का तो रास्ता है, बट हम लोग लेट हो चुके, पठान को देखने में लेट हो चुके। आपको नोएडा और दिल्ली में ये रिक्शे का मजे ऐसे नहीं मिलेंगे ना, कि सीन के साथ सीन और रिक्शे के मजे अलग। ये जैकेट से सब है ना जो तुम मांग रहे हो वो भी है यहाँ पे। भैया मॉल एक ही है ना यहाँ पे? नहीं मॉल रोड तो है, मॉल एक ही है ना, वही सिनेमा हॉल तो एक ही है ना, क्योंकि मैं मूवी बुक कर रहा था तब उसमें बस एक ही मॉल का आ रहा था, और वो भी खाली खाली। यहाँ पे लोग नहीं देखते हैं क्या ज्यादा? अच्छा हाँ, लोग घूमने आते हैं, हम जैसे कम होते हैं जो यहाँ आके भी मूवी देख जाते हैं। अच्छा, क्योंकि पूरा हॉल जब मैं बुक कर रहा था सिर्फ 4 सीट बुक है। पैकेज लेकर आते हैं ना? हाँ, प्रॉब्लम ये भी है हम लोगों के साथ। अच्छा ये है कि हम लोग कोई पैकेज नहीं लिया, हम लोग अपने से जाएंगे। मुझे पता था कि यहाँ पे बगल में ही है सब कुछ। अरे मैं बस यही है, एक ही रोड था। चलो कोई नहीं। हाँ नहीं, एक ही रोड तो था मगर यही है, ये छोटा सा। अच्छा इसके पीछे Hours later. बकवास थी, मूवी बकवास थी, बस एक ही चीज अच्छा लगा, सलमान और शाहरुख के साथ साथ में। धूप इतनी अच्छी आई है, अच्छी धूप नोएडा में नहीं निकलती है, मेरी आंखें जलती हैं। तो मूवी तो देख ली बट इतनी भी कुछ खास नहीं लगी, स्टोरी लाइन अप इधर उधर था। नहीं, मुझे अच्छी लगी क्योंकि शाहरुख ने पहली बार देखी, मतलब पहली बार इन द सेंस की मैंने भी पहली बार ही देखी है, और बट उतनी कुछ खास नहीं लगी। एक्शन मूवी अच्छी लगती है, इसमें हॉलीवुड का टच दिया गया है, इसलिए मुझे अच्छा लगा। बस टच ही दिया गया है। हाँ तो ठीक है, मुझे अच्छी लगी, जरूरत है कि हर लोग हर मूवी अच्छी लगे। बस क्या ही सकते, वो है ना, वो लेना है ना तुम्हें।
कंठप्पी कंझप्पा उधर ही से लेंगे ना, उन अंकल के पास था। टाइम वेस्ट करना फिर वहां से वो था ना आन पे जान की। मैं तेनू धक्का दी गया थी। एक चीज मैं बता दूं, सारे कुछ ठीक है, कपड़े वपड़े भी सब कुछ ठीक है, अच्छे मिल रहे हैं। बट नहीं, बट द थिंग इज कि जितना सस्ता दिल्ली में है उतना सस्ता नहीं है यहाँ पे। मैंने 450 रुपए का शर्ट लिया, वो फिर भी और सस्ता ही मिलता ना नोएडा में, कौन सा इतना ठंडा। अब ये 150 रुपए का, हाँ वही वही मेन वही है कि टूरिस्ट प्लेस है ना, इसलिए ओके जितना मतलब वैसा मुलायम मुलायम से फर होंगे उतना। दिस वन 120 बच्चों वाला लग रहा है बट ठीक है। दिस वन इज फॉर 200 ना, एंड द पिंक वन इज 350 वो थोड़ा सा स्पेशल। एंड दोस वन इसमें भी 120 है, ये जो अच्छा ये सारे अच्छा 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 थोड़ा बेबी ओके 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 व्हिच वन एक कोई देख सकते सैंपल टाइप से। सो हम लोग फिर से उसी शॉप पे आए हैं जहाँ से कल हम अंकल से मिलके गए थे और सामान लेके गए थे। हाँ जी मूवी देख के तो आ गए, मगर एक चीज मैं बताऊँ गुना कैसी लगी मूवी तुम्हें? मुझे तो मूवी अच्छी रही क्योंकि मैं ऐसी मूवी ना बहुत कम देखती हूँ, तो मुझे अच्छा लगा अचानक से देखा तो। नहीं बट मैं बताऊँ ठीक है सब कुछ ठीक है, बस एक ही पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगा था जब सलमान खान और शाहरुख खान थे दोनों साथ। हाँ, एक दोनों बाद सोचा कि सलमान भाई भी हैं तो मुझे सलमान भाई बहुत एक्साइटेड हो गए थे कि बट बहुत स्मार्ट लग रहा था सलमान। हाँ ठीक है बट मैं आपके सामने किसी को स्मार्ट नहीं समझता। अरे मैंने भाई बोला यार। अच्छा ठीक है, मगर प्रॉब्लम पता है क्या है, चीज क्या खराब थी, ये स्टोरी ना देखी देखी सी लग रही थी आप लोगों को। याद होगा स्टोरी द हीरो की है। तो सनी देओल की जो मूवी थी ना जिसमें वो बॉल बॉल टाइप का, और समझ नहीं आता इनके सारे वायरस हरे क्यों होते हैं, इनका सबको मतलब यार नीला पीला गीला कर देते हैं। कर देना प्लीज। मगर मालूम सबसे बड़ा सीन क्या था कि स्टोरी कहीं से कहीं पलट जा रही थी। और यार मैं भी शाहरुख फैन हूँ, मुझे भी शाहरुख खान बहुत अच्छे लगते हैं, बट ये मूवी को मैं मतलब 5 में से अगर कोई मुझसे रेटिंग्स पूछेगा ना 2 ही दूंगा। 2 बस इसलिए क्योंकि पैसे लगे हैं, अदरवाइज दुनिया क्या कर जाती है। और वो गाना सीरियसली मैं बोलूं बेशरम रंग की पता नहीं कैसे लोगों को अच्छा लगा, कनेक्टेड शाहरुख खान प्यार करने लगा होगा उसके बाद ही गाने वाले। और ISI की एजेंट है तो उस पर भरोसा कर लिया। यार ये स्टोरी हम लोग 1000 बार देख चुके हैं, इवन टाइगर में भी वही, और मतलब हर जगह वही स्टोरी घुसाया जा रहा है, वही वायरस वही वही चीज, कुछ स्टोरी नया लाते हैं यार। और अच्छा मैं बताऊं आप लोग को, शगुन को भी मैंने हॉल के अंदर में ही बैठे बैठे बोल दिया था कि अगर आप लोग को देखना है ना इससे भी बढ़िया स्टोरी देखनी है व्हाइट कॉलर की सीरीज देखो, जस्ट मैंने अभी खत्म की थी। मैंने तो अभी पुरानी है मैं जानता हूँ, आपको लगा होगा हॉटस्टार पे। हाँ इसलिए मुझे इससे अच्छा है VFX बेसिक उसमें यूज नहीं हुआ है, मगर मतलब स्टोरी लाइन अप ना उसमें अच्छा है। सुंदर तो मैं लगती नहीं, ये नहीं 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 बुरा नहीं बुरा नहीं बुरा नहीं मानना, कट कर देना प्लीज। कोई कमेंट मत करना आएगा, देखो यहाँ था कमेंट मत करना। चलो भाई अब निकल रहे हैं हम लोग कैंपटी फॉल। काफी शाहरुख खान जी आपको हमने इतना टाइम दिया पैसा दिया मगर उसके बाद भी मजा नहीं आया था क्या मेरा, सॉरी। पर मैंने उतनी मेंटेन अगर मुझे कोई कर दे ना मैं बहुत सुंदर कोई कर दे चीले का काटे पार्लर जाती है पैसे खर्च करती है। चलो ठीक है तो अभी हम निकल रहे हैं कैंपटी फॉल, स्कूटी हम रेंट पे ले लिए हैं, लगा के आए हैं नीचे में, फिर देखते हैं कैसा है कैंपटी फॉल भी।